नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती जनपद से आ रही है। मोहल्ला बीमार, अधिकारी मस्त। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सपनों का पलीता लगा रहा है नगर पालिका बस्ती। मोदी और योगी का स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों में सीमित कर रह गया। नगर पालिका के कर्मचारियों की इतनी बड़ी दबंग गई है कि नियम कानून को ताक पर रखते हुए नाबालिग बच्चों से गाड़ियों पर लगा कूड़ा उतरवाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में ना तो नगर पालिका अध्यक्ष न ही नगर पालिका ईओ कुछ भी बोलने से हुए इनकार। बस्ती जिले के नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कूड़ा सड़कों पर गिराकर मोहल्ले में फैला रहे हैं बीमारी। व्यापारी अपनी दुकानें नहीं चला पा रहे हैं, तेज हवा चलने के कारण गंदा कूड़ा उनके दुकानों में घुस रहा है और उनके अंदर बीमारी फैल रही है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष सहित ईओ नगर पालिका से की गई, लेकिन सिर्फ कार्यवाही कागजों में सिमट कर रह जाती है। जहां देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान की पूरी तरह सफल बनाने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी सहित नगर पालिका अध्यक्ष आदेशों का पलीता लगा रहे हैं। साथ ही बार बार मोहल्ले वासियों के मना करने पर भी नगर पालिका के कर्मचारी जबरन कूड़ा सड़कों पर गिरा रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं बस्ती जिले के नवीन मंडी के पास, जहां VIP क्षेत्र माने जाने वाला रोड रेलवे स्टेशन आए दिन इस रोड से VIP आते जाते हैं, लेकिन किसी की नजर इस कूड़ा पर नहीं पड़ती है। नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही से सड़कों पर कूड़ा गिरा दिया जाता है। यहाँ तक कि गाड़ियों में भरकर कूड़ा लाकर नाबालिग बच्चों से कूड़ा उतरवाया जाता है। नगर पालिका के अधिकारी ही नाबालिग बच्चों से कूड़ा उतरवाते हैं और स्वयं देखते हैं। ऐसे में स्वच्छता अभियान बस्ती जिले में कागजों में सिमट कर रह गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही से नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, नाबालिग बच्चों से कूड़ा उठवाया जा रहा है। क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? यह सवाल अपने आप में सोचने की बात है। इस पूरे मामले में जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजशेखर से मोबाइल पर बात हुई तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से संवाददाता जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। डेली लगभग 5-6 टाली कूड़ा गिराते हैं, फिर नाली भी भटी हुई है, यहाँ पे लाइट भी खराब है, डेली एक्सीडेंट होता है। और उनको जब मना करते हैं तो कहते हैं कि DM का आदेश है, और यहाँ ये नगर पालिका वाले हैं, सब यहाँ पे डेली गिरता है। कह रहे हैं कि रात को उठ जाएगा, अभी उधर 4-5 दिन लगभग आगे आग लगा था इसमें, कूड़े में। इससे पूरा मोहल्ला ये जो है, उससे ये पूरा मोहल्ला जो है प्रभावित था, पूरा मोहल्ला के पूरा बेल्ट पर प्रभावित था, उसे पूरा धुएं से। हम लोग
अधिकारी मकान है वो। इतना दिन से कहा मैंने बड़की अम्मा का कोनो सुना है जल्दी, और आज तक नाली वाली नहीं साफ हो रहा है बूढ़ पुरनिया तक भैया, आए कोई का बूढ़ पुरनिया को ना दिखाए और पार करे आके कोई दबा दे भैया तो कोई सुनता नहीं है, और 100 नंबर लगाओ तक तो कोई नहीं सुनता है भैया, ऐसे रहेगा भैया। नहीं चला था गंधा बहुत बुरा है, और ये बत्ती वत्ती सही हो जाएगा तो बूढ़ पुरनिया कोई रहेगा भैया तो चुटाएगा तो नहीं, लड़के बच्चे के तो दिक्कत नहीं रहेगा बड़की अम्मा। अरे कोई बूढ़ पुरनिया को ना दिखाए पार करे नाली, और नाली देखो भैया ये से लेके सहनाज स्कूल तक ये फटा है और जल्दी साफ नहीं हो रहा है भैया, ये क्या बात है, और बहुत बुरा गंधा रहा है भैया। यहाँ 3 साल से कूड़ा गिर रहा है, हम लोग अप्लीकेशन भी DM के पास दिए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, चेयरमैन भी आके चले जाते हैं, कोई पूछते भी नहीं है हम लोग से, और उसके बाद कानून भी करते हैं वो लोग, हम लोग के ऊपर दबाव भी बनाते हैं, अब पर डे 2 से 3 इंसिडेंट होता है, लाइट भी नहीं जलता है पोल पर का, आगे चेयरमैन ये कर के आ रहे हैं खाली, वह बड़ी बड़ी शादियाँ होती है सूरज पैलेस में, आके देख के चले भी जाते हैं, कहते हैं आपकी सही हो जाएगा आपकी सही हो जाएगा, लेकिन होता है नहीं, वोट मांगने चले जाते हैं उनसे भी कहिए तो कहते कि आपकी सही हो जाएगा आपकी सही हो जाएगा, आखिर कर क्या रहे हैं सब। कूड़ा नगर पालिका गिरता, देखिए सर सामने गाड़ी नगर पालिका की गाड़ी खड़ी है।